गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है दिसंबर का 26 तारीख और देखो दिल्ली का मौसम क्या हो रखा है। तो मैं जो बोल रहा था मिस करूंगा, तो शायद एक दो दिन और देखने को मिल जाएगा मेरे को। खैर, इससे भी ज़्यादा स्मॉग होता है। अभी बज रहे हैं सुबह के 11:30 और मौसम देखो क्या हो रखा है। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं अपना ब्रेकफास्ट डन करके निकल रहा हूँ पालम की तरफ। तो पालम में मेरे को मामा के घर में कुछ काम है, तो आप लोगों को भी ले चलते हैं, दिल्ली के रोड्स वगैरह देखते हैं। तो बाकी यही है आज का तो प्लान, फिर आते हैं। तो चलिए चलते हैं। सो, अभी ब्रेकफास्ट करूँगा, ब्रेकफास्ट करके अभी निकलने वाला हूँ। तो अभी फ़िलहाल 25 दिसंबर का जो केक बचा हुआ था, यही केक खाऊँगा। अभी बस निकला हूँ, तो अभी 11:45 बज रहा है। सो, अभी आप देख सकते हो यहाँ का वेदर क्या हो रखा है। लेकिन हाँ, फिर भी ठीक है, मतलब इस वेदर में मतलब घूमने के लिए तो मस्त वेदर है ये। लेकिन हाँ, ये भी है, मतलब जो लोग मतलब स्पेशली बाइक में ट्रैवल करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि यार ठंड बहुत ज़्यादा है बाहर। तो आई होप, मेरे ख्याल से 10 के आसपास का टेम्परेचर है इस टाइम पे। तो नोएडा में तो फिर भी मतलब थोड़ा सा, मतलब दिल्ली के कंपेरिजन करूँ तो दिल्ली से थोड़ा कम ही ठंड है, दिल्ली में ज़्यादा ही ठंड होता है। और बाकी रोड वगैरह देख सकते हो कैसा हो रखा है। तो मेरे को भी थोड़ा सा यही लग रहा है, भाई मैं भी जाऊंगा, अभी हाईवे पे ही जाना है मेरे को, पूरा ट्रैवल करनी है, तो फिर दिक्कत होने वाला है मेरे को भी फॉग का। तो ठंड के टाइम तो वैसे थोड़ा सा रिस्की होता ही है ऐसे ठंड में जाना, स्पेशली मतलब नाइट में ड्राइव करना और अर्ली मॉर्निंग में ड्राइव करना थोड़ा ज़्यादा ही रिस्की होता है, क्योंकि उस टाइम पर कुछ दिखता भी नहीं है, विजिबिलिटी भी बहुत, कहीं कहीं जगहों पर विजिबिलिटी एकदम मतलब ना के बराबर होता है हाईवे पर स्पेशली। लेकिन एनीवे, जाना पड़ेगा तो फिर निकलूँगा उसी हिसाब से, आराम से ही निकलूँगा। और ये अभी तक का मेरा सबसे लंबा सफ़र होने वाला है, तो आप लोग भी ज़रूर देखना वीडियो, बनाऊँगा मेरे को जितना, मैं कोशिश करूँगा जितना अच्छे से बना सकता हूँ उतना कोशिश करूँगा, मैं अपना 100% दूँगा। आज मंडे है तो ऑफिस टाइमिंग भी है, इसीलिए मैंने जानबूझ के थोड़ा लेट निकला हूँ मैं घर से, क्योंकि नॉर्मली 9-10 बजे अगर निकलता तो फिर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक में फंसता। तो अभी पता नहीं अभी भी ट्रैफिक में फंसूँगा कि नहीं, क्योंकि इस टाइम पे तो नॉर्मली ऑफिस टाइमिंग स्टार्ट हो जाता है, तो फिर इस टाइम पे ट्रैफिक नहीं मिलनी चाहिए दिल्ली में। नोएडा में उतना टेंशन नहीं होता है, क्योंकि नोएडा में इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं लगता दिल्ली जैसा, यहाँ पे लगता है तो बेसिकली मतलब वही ऑफिस टाइमिंग में थोड़ा बहुत लगता है, लेकिन ऐसा कुछ मतलब जनरली नॉर्मल लगता नहीं है। लेकिन दिल्ली में तो मतलब कभी भी जाओ या ट्रैफिक मिलता ही मिलता है, एक रात को छोड़ के, रात को अगर जाओगे तो उस टाइम पे खाली मिलेगा, अदरवाइज तो फिर भी उस टाइम पर अगर आप गुड़गांव या नोएडा बॉर्डर से जा रहे हो तो उस टाइम पर फिर ट्रकों का ट्रैफिक मिल जाता है रात के टाइम, अदरवाइज गाड़ी वगैरह तो कम मिलता ही, ऑब्वियसली रात को कौन ही घूमेगा। वैसे इस जगह पे जा रहा हूँ तो जगह का नाम मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ अभी, क्योंकि थोड़ा बहुत सरप्राइज रखते हैं। तो वैसे तो बहुत लोगों को पता चल गया होगा, या तो फिर मतलब बहुत लोगों को पता है शायद, तो लेकिन हाँ फिर भी मतलब जिस जगह पे जाऊँगा तो शायद ऐसे रोड्स में मिस करूँगा, क्योंकि ये नोएडा दिल्ली के जो रोड्स हैं काफ़ी वेल डेवलप्ड है। तो अभी मेरे को पता नहीं वहाँ पर जाके, क्योंकि मेरे को उस जगह के बारे में उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, जितना भी मैंने भी मतलब सुना है रिसर्च करके ही, मतलब यूट्यूब वगैरह उसमें वीडियोस देख के फिर ऐसे ही पता लगा है। लेकिन हाँ, देखते हैं वहाँ पे भी कैसा रहता है, तो क्योंकि बिना देखे कुछ कमिटमेंट करना मतलब सही नहीं है मतलब बताना, बाकी वहाँ पे जाने के बाद ही पता लगेगा कैसा है क्या है, फिर वहाँ पर जाके मेरे को कैसा लगेगा, मैं एडजस्ट कर पाऊँगा कि नहीं, क्योंकि भाई दिल्ली तो दिल वालों का शहर है और ये है हकीकत है। वैसे ये तो मैं मतलब सही बता रहा हूँ, मतलब दिल्ली के जो लोग हैं स्पेशली यार यहाँ पे, मतलब मैं तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, क्यों, एक तो मेरा बहुत साल हो गए यहाँ पे, 2008 से हूँ मैं, तो काफ़ी मतलब लंबा टाइम हो गया मैं दिल्ली में हूँ। लेकिन हाँ, मतलब यहाँ के लोग मतलब ऐसे ना भाईचारा काइंड ऑफ है, मतलब आप किसी से भी बात करोगे दे आर लाइक वेरी फ्रेंडली, कुछ कुछ है एक्सेप्शनल केस तो हर जगह पर निकल ही आता है, ऐसा नहीं है, लेकिन आप फिर भी मतलब यहाँ पे आप दोस्त वगैरह बड़े आसानी से बना सकते हो, तो ऑल द पीपल आर नॉट लाइक वेरी प्रोफेशनल, तो आपको दोनों लाइफ यहाँ पे बैलेंस करने को मिलेगा, लाइक प्रोफेशनल वाला भी है, फिर ऊपर से मतलब आप अपना मतलब दोस्ती, अपना फ्रेंड सर्कल जो भी है, तो भाईचारा वाला सर्कल भी बहुत अच्छा है यहाँ का। और बाकी खाने पीने के मामले में भी बताऊँ तो यार बेसिकली मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ, बहुत लोगों को शायद पता ही है,
तो अगर वेस्ट बंगाल का भी मतलब खाने पीने का, मतलब मैं 2008 से हूँ तो मेरे को तो कभी खाने पीने का उतना प्रॉब्लम कभी हुआ नहीं है यहाँ पे। मतलब हर तरीके का वैरायटी मिलता है खाने का, और नॉन वेज बोलो वेज बोलो मतलब दोनों के लिए ऑप्शन है। अगर वेजिटेरियन बंदे हो आपको भी खुल के मतलब खाने को यहाँ पे मिलेगा जो भी आपको ऑप्शन चाहिए, और अगर नॉन वेजिटेरियन बंदा हो तब भी आपको मतलब अच्छा खासा मतलब यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं खाने का। तो ये चीज़ें हैं दिल्ली का। और बाकी अपना तो यार दिल बसा हुआ है दिल्ली में ही, तो अभी जाने के लिए तो मतलब बहुत मतलब मैं अभी भी बहुत ज़्यादा मतलब सोच रहा हूँ बताऊँ या फिर सैड हूँ, मतलब क्या ही समझ नहीं आ रहा है। लेकिन भाई दिल्ली मतलब इतने साल रहने के बाद जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। इवन मतलब दिल्ली क्या मतलब आप बहुत लोगों को पता है रिलोकेशन करना, मतलब एक शहर में जब आप बहुत सालों से रह रहे हो तो उस शहर के साथ एक अटैचमेंट हो जाती है, तो वही चीज़ें हैं। बट हाँ मतलब ज़िंदगी में मूव करना भी मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ कि आपको मूव फॉरवर्ड होना ही पड़ेगा, तो वही सोच के जा रहा हूँ उस शहर में। बाकी आगे का पता नहीं क्या होगा, आगे जैसा भी होगा आप लोग जुड़े रहोगे आपको पता लगता ही रहेगा, और मैं अपडेट भी करता रहूँगा मैं क्या मतलब करूँगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्या है जो भी है, वहीं पे सेटल होना है रहना है जो भी है, तो देखते हैं जैसा भी रहता है। उस दिन भी मैं बाइक में वैसे रिकॉर्ड कर रहा था, उसमें उतना अच्छे से समझ नहीं आ रही थी, मतलब आवाज़ तो कुछ आया नहीं। बेसिकली मेरे पास बाइक में ब्लॉग करने का तो वैसे कुछ सेटअप है नहीं, उसके लिए प्रॉपर मेरे ख्याल से सेटअप चाहिए। जो भाई लोग करते होंगे बाइक में ब्लॉगिंग उनके पास शायद माइक वाइक मतलब या तो हेलमेट में मतलब हैंग करने के लिए वो होगा शायद, बट मेरे पास ऐसा कुछ था नहीं, तो मैंने वही बाइक के हैंडल पे लगाया था कैमरा को, तो उसमें होल्ड करा के ले गया था। एक तो बहुत ज़्यादा शेक हो रहा था, तो फिर भी गोप्रो है इसलिए थोड़ा बहुत उसका मैनेज हो गया था वीडियोज़, लेकिन काफ़ी ज़्यादा शेक हो रहा था। और मैंने जो बात की वो तो कुछ भी सुनाई नहीं दिया उसमें, सारे मतलब नॉइज़ जो बाहर का हवा का था वही सब था, तो वही है। आज भी वैसे मैं पालम जा रहा हूँ तो उसी रोड से जा रहा हूँ, तो ये जो आप आगे देख रहे हो ये DND का मतलब एंट्रेंस है, तो ये बेसिकली दिल्ली और नोएडा का जो बॉर्डर है। इसमें अभी टोल नॉर्मल गाड़ियों का तो नहीं लगता है, बेसिकली प्राइवेट गाड़ियों का, लेकिन हाँ पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट होते हैं उनका अभी भी टोल देना पड़ता है यहाँ पर। और इस टाइम पे तो दिल्ली में मास्क भी मैंडेटरी है, तो मैं भी यार मास्क लगा लेता हूँ पहले। तो वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा फिर से कोरोना फिर से पता नहीं आने वाला है बढ़ने वाला है जो भी है, फिर मैं भी आजकल इन सब चीज़ों में ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा ध्यान दूंगा ज़्यादा टेंशन में आता है बंदा, तो अभी जो होगा देखा जाएगा, आएगा जाएगा जो होगा देखा जाएगा। लेकिन हाँ भैया अपना चालान या कुछ बचाने के लिए तो मास्क पहनना पड़ेगा। तो दिल्ली में बेसिकली ये फॉग है, स्मॉग मतलब ये फॉग तो कम्प्लीटली नहीं होगा, स्मॉग ही होगा बेसिकली, जो आपका धुआं और पोल्यूशन और बाकी जो फॉग है दोनों मिक्स करके ये दिख रहा होगा। दिल्ली में बस एक ही चीज़ का जो ख़राब लगता है वो है पॉल्यूशन, इसके अलावा तो मेरे को अभी तक दिल्ली में नेगेटिव चीज़ें कुछ लगा नहीं है। शहर बहुत अच्छा है, अगर कोई दिल्ली मूव होने के लिए सोच रहे हो तो भाई आँख बंद करके आ सकते हो यहाँ पे, मतलब आने के लिए मतलब कोई सोचने वाली बात है ही नहीं यहाँ पे, हर चीज़ आपको अपने हिसाब से मिलेगा यहाँ पे, तो वही है। हाँ पॉल्यूशन का थोड़ा सा है टेंशन यहाँ पे, पॉल्यूशन है ज़्यादा दिल्ली का बाकी शहरों से। सो ये पालम पहुँचने वाला हूँ, तो यहाँ पे ये रहा गेट, राजनगर पार्ट टू में आपका हार्दिक स्वागत है। तो बेसिकली पालम दो उसमें स्प्लिट किया हुआ है, दो नहीं वैसे तीन है, उस साइड में साधनगर भी है। बेसिकली इस साइड जो पड़ता है राजनगर वन और राजनगर टू पड़ता है, और एक मेन रोड है उसके उस साइड पड़ता है साधनगर, और भी एरिया है छोटे छोटे। तो पालम में ये राजनगर टू में आया हूँ अभी मैं, तो मैं 2008 से लेके 2012 फिर 2015 से लेके 2000 ऑलमोस्ट लाइक 21 तक पूरा मतलब मोस्ट ऑफ टाइम मेरा यहीं पे बीता है पालम में ही। इवन मेरा गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर भी पालम का ही है, तो पालम से तो बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है, कॉलेज वॉलेज सब कुछ, तो यहाँ के रोड्स वगैरह। तो यहाँ के रोड थोड़ा सा ऐसे ही मिलता है पालम में, एक चीज़ बहुत फेमस है वो है यहाँ पे हर टाइम पे कंस्ट्रक्शन का काम चलता ही रहता है,
आप किसी गली में जाओगे शाम को आकर देखोगे वहाँ पे खुदाई हो चुकी है। तो ये पालम का खासियत है। और बाकी रोड्स वगैरह ऐसे ही हैं पालम बेसिकली, मतलब अब कह सकते हो मतलब पालम गांव ही बोलते हैं इसको, लेकिन अब तो यार डेवलप्ड भी हो चुका है इतना अच्छा खासा। तो यहाँ पे ही दिक्कत है एक, अरे यार समझदार इंसान है, इसकी आंख क्या दिमाग है साले में। अरे भाई तू भी घुसाया जा रहा है, समझदार इंसानों की कमी नहीं है। ये चैलेंजेस पालम में आता रहता है, ये कॉमन है। तो जब पालम में रहता था गाड़ी चलाता था तो इन सब की आदत हो चुकी है। इवन पालम में ही गाड़ी चला के मेरा हाथ ज्यादा अच्छे से सेट हुआ है इन गलियों में। तो यहाँ पे हर टाइम यही चीजों का सामना करना पड़ता है। तो राजनगर पार्ट वन से भी मैं आ सकता था, लेकिन राजनगर पार्ट वन से इसलिए नहीं आता हूँ क्योंकि वो वहाँ पे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा ऐसे गलियों के अंदर से। तो इसलिए मैं प्रेफर हमेशा करता हूँ इसी से जाने की। और वैसे यहाँ से पास भी पड़ता है सो दैट यहाँ पे मेरे को कम मतलब ऐसे सिचुएशन का सामना करना पड़े। बस अब घर की तरफ निकल रहा हूँ। तो ये लास्ट मतलब इस बार के लिए, अभी तक के लिए तो मतलब लास्ट ट्रिप ही था पालम आना ये द्वारका इस साइड, क्योंकि इसके बाद अब तो नहीं आना होगा। और बाकी मेरे पास भी मतलब अब 4-5 दिन ही है जिसमें मेरे को पैकिंग वैकिंग भी करना है। तो मेन जो घर का सामान ये सब पैकिंग है ये तो मैं मतलब मूवर्स पैकर्स ही करेगा बाद में, लेकिन हाँ एटलीस्ट मेरे लेवल में जो भी मतलब मेरे को ले जाना है सामान तो वो मैं पैकिंग कर लूँगा। और उसका भी रोड ट्रिप का वीडियोज़ आप लोगों को मिलेगा जल्दी। तो बस यही है, तो अभी फ़िलहाल के लिए चलते हैं घर। प्यारे टेमर बदला यारा ने सप्लेंट।